हे हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज का हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी से, जिसमें चैप्टर का नाम है वुंड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने वुंड्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर कराए थे, जिसमें वुंड्स की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ वुंड्स, उसके बाद वुंड हीलिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग, और उसके बाद वुंड क्लोजर यानी कि वुंड सोशरिंग कराई थी। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, जिसमें जनरल और लोकल आपको दोनों लिखने होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, जिसमें सबसे पहले है जनरल फैक्टर्स, जो पेशेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद है लोकल फैक्टर्स, किस टिश्यू में यानी कि किस ऑर्गन में किस जगह पे इंजरी हुई है उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे है जनरल फैक्टर्स, जिसमें पेशेंट की एज डिपेंड करती है। अगर चिल्ड्रन है तो हीलिंग फास्टर होगी, और ओल्ड पेशेंट्स में हीलिंग डिले होती है। उसके बाद सेकंड है डेबिलिटी, यानी कि न्यूट्रिशन कितना है, माल न्यूट्रिशन अगर पेशेंट में तो हीलिंग डिलेड होगी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से भी हीलिंग डिलेड होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है वो कोलाजन बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद जिंक डिफिशियंसी भी हीलिंग के डिले होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड है डायबिटिक पेशेंट, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? सेवरल फैक्टर्स सच एज माइक्रो एंजियोपैथी, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, डिक्रीज्ड फैगोसाइटिक एक्टिविटी, या फिर उनका हाई ब्लड शुगर होने की वजह से बैक्टीरिया उनके ब्लड में ग्रो करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेप्टिसेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ है जॉन्डिस और यूरेमिक के पेशेंट्स में वुंड हीलिंग बहुत ही पुअर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फाइब्रोब्लास्टिक रिपेयर डिले हो जाती है। फिफ्थ है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और मैलिग्नेंसी, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने से भी वुंड की डिले हीलिंग होती है। सिक्स्थ यहाँ पे दिया हुआ है जनरलाइज्ड इन्फेक्शन, अगर जनरलाइज्ड इन्फेक्शन हो रखा है पेशेंट में, कहीं पे भी पस रिलीज हो रही है, तो इसकी वजह से भी जो वुंड हीलिंग है वो डिले हो जाती है। सेवन्थ है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर अर्ली पेशेंट को दिए हैं तो उसकी वजह से भी वुंड हीलिंग डिले होती है। क्यों होती? ड्यू टू एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। हीलिंग एक बार अगर हो जाए उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं हीलिंग से। सेकंड है लोकल फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स यानी ऑर्गन के जिस पार्ट में इंजरी हुई है वो ऑर्गन कैसा है, यानी कि पहली बात है उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कैसी है। अगर ब्लड सप्लाई पुअर है तो उस एरिया में वुंड जल्दी हील नहीं होएगा। फॉर एग्जांपल पैर में या फिर नी में कोई भी इंजरी हो जाती है, उसकी वुंड हीलिंग बहुत ही पुअर होती है, डिलेड होती है। क्यों? ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई। और उसके बाद फेस की जो भी इंजरीज होती है, वुंड्स होते हैं, वो जल्दी हील होते हैं। उसके अलावा लोकल इन्फेक्शन भी अफेक्ट करता है वुंड हीलिंग को। ऑर्गेनिज्म जो भी इन्फेक्टिव हैं वो सूचराइज्ड मटेरियल को खा जाएंगे, ख़राब कर देंगे, उसके बाद ग्रैनुलेशन टिश्यू को ख़त्म कर देंगे, जिससे हीलिंग फिर से नहीं हो पाएगी, तो इससे कॉन्टेमिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स में सूचर करने के बजाय सबसे पहले एंटीबायोटिक्स दे के इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, उसके बाद फिर हम सूचराइजेशन यानी कि वुंड हीलिंग का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पे हीमेटोमा, हीमेटोमा भी इन्फेक्शन को प्रेसिपिटेट करता है। फोर्थ है फॉल्टी टेक्निक ऑफ वुंड क्लोजर, वुंड क्लोजर के टाइम पे सूचराइजेशन अगर गलत हो गया है, या फिर अगर सूचराइजेशन से पहले कोई गोज पीस या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर रह गया है, तभी वुंड हीलिंग नहीं होगी। उसके बाद फिफ्थ है टेंशन एट द वुंड वाइल सूचरिंग, सूचरिंग के टाइम पे टेंशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं सूचर। उसके बाद सिक्स्थ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन्हेंसेस किलिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाती है ये किलिंग प्रॉपर्टी को, और साथ ही साथ फाइब्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। सो येस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।